The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बात करते हैं एचआईवी और एड्स के बारे में। बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में इंटरनेट पे, कई सही है कई गलत है, पर सबसे ज़्यादा है डर। डर जो बहुत फैला हुआ है लोगों के अंदर, इतना कि कहीं मुझे ये ना हो जाए, अगर मुझे ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, और ये इसके साथ कैसा होता है बीमारी का, और बीमारी कितने दिन में होती है, किस प्रकार होती है, किस चीज़ से फैलती है, किससे नहीं फैलती है, ये सब लोगों को नहीं पता। एचआईवी और एड्स अलग अलग है, ये लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, हमें समझना होगा एचआईवी क्या है। एचआईवी एक वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। नॉर्मली वायरसेस के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम काम करता है जो आपका, लेकिन एचआईवी वायरस इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। आपका CD4 सेल्स जो आपके टी लिम्फोसाइट्स है उन्हीं को मार देता है, जो एक तरीके के इम्यून सेल्स है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो समय के साथ जितने सारे CD4 सेल्स, जितने आपके खुद के इम्यून सेल्स मरते जाएंगे, तो आपको दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन, दूसरे प्रकार के कैंसर्स भी होने के रिस्क होते हैं, क्योंकि यही इम्यून सेल्स का काम होता है, ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। पुलिस वाले हैं, जहां गड़बड़ है उसको पकड़ के रोकते हैं। अगर पुलिस वाले ही नहीं होंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा। इसीलिए एचआईवी वायरस थोड़ा डेंजरस है। लेकिन ये फैलता कैसे है? ये फैलता है ब्लड से, सीमेन यानी विरह से, वेजाइनल या रेक्टल फ्लूइड से, और ब्रेस्ट मिल्क से। जी हाँ, तो इन चीज़ों से फैल सकता है। अगर आपका खून किसी और के खून से जुड़ता है, कोई नीडल इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में आपको नीडल लगती है या आप लगवाते हैं, तो ऐसी चीज़ें फैल सकती है। वायरस हवा में नहीं, पानी में नहीं है, कैजुअल कॉन्टैक्ट हाथ मिलाने से नहीं हो जाता है, और अगर हो जाए तो ये आपके शरीर में रहता है। याद रखिए, यह आपके शरीर में रहेगा, लॉन्ग लाइफ टाइप ऑफ कंडीशन है, ये ख़त्म नहीं होता है और इसको मैनेज किया जा सकता है। ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता वायरस आपके शरीर में, इसको मैनेज किया जा सकता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट से, मैनेज किया जा सकता है ताकि आपके जो इम्यून सेल्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो और आपका शरीर जो है, इम्यून सिस्टम्स जो है, उस स्टेज तक ना पहुँचे जिसको के कहते हैं एचआईवी से होने वाला एड्स। एड्स अलग है, एचआईवी अलग है। एड्स तब बोलते हैं जब आपके CD4 काउंट्स यानी कि इम्यून सेल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आपकी इम्यून सिस्टम ख़त्म होने के कगार पे है, आपके शरीर में पुलिस वाले है ही नहीं, उसको कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्योंकि आपकी ये इम्यून डेफिशिएंसी बचपन से, पैदा होते सार से नहीं है, ये एक्वायर्ड है, इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिए, इस पॉइंट में एड्स हो जाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर ही नहीं है कि वो किसी भी बीमारी को लड़ सके, तो छोटी मोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए अगर हम एचआईवी के पेशेंट की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है छोटी मोटी इन्फेक्शन से ही। और अगर एचआईवी को भी ट्रीट नहीं किया गया, एचआईवी का भी मैनेजमेंट है कि उसमें भी बिना इलाज के आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, सीरियस हो जाओगे और बहुत जल्दी आपकी जीवन जो है समाप्त हो सकता है छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी, ठीक है। लेकिन इलाज है दोनों चीज़ों में, आपके एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, और एचआईवी अगर सिर्फ एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसको तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एक नॉर्मल आदमी जितनी हो जाती है एक एचआईवी के ट्रीटमेंट वर्क करते हुए। याद रखिए, बहुत ही कॉमन है एचआईवी का ट्रीटमेंट और आराम से हो जाता है। जहाँ तक एड्स की बात है, एड्स याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट एचआईवी का एड्स हो जाएगा, एडवांस स्टेज तक बीमारी पहुँच जाए तब उसे एड्स कहते हैं। और
हेल्दी आदमी में ये कैसे डिटरमाइन होता है? नॉर्मली आपके अंदर जो CD4 काउंट होता है, यानी कि जो लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का CD4 काउंट है, वो 500 से 1500 पर क्यूबिक मिलीलीटर है। अगर ये आपका 200 से नीचे गिर गया, 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो आपको एड्स बोला जा सकता है। ठीक है, तब आपको एड्स बोला जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, और एक पर्सन जिसको एड्स आ गया, याद रखिए, उसको प्रॉब्लम क्या होगा, उसको दूसरे इन्फेक्शंस होने चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होंगे, राइट। जिनको HIV है, जिनके CD4 सेल काउंट थोड़े ऊपर है, 200 के ऊपर है, और कोई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन नहीं है, उनको एड्स नहीं है। जिनको HIV वायरस है और CD4 सेल काउंट 200 से नीचे है और कुछ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, या नहीं भी है, 200 के नीचे है, तो उनको इम्यून सिस्टम स्लो तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन को रोकना। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब मौका मिला वैसे ही आ गया, उस इन्फेक्शन को रोकना मतलब जैसे निमोनिया हो जाना छोटी सी बीमारी से, जैसे कोई आपको कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया आपके ऊपर हावी हो सकता है। अगर आपने एड्स का या HIV का एड्स का इलाज नहीं कराया, एक बार एड्स हो गया, CD4 काउंट बिल्कुल 200 के नीचे हो गए और आपने इलाज नहीं कराया, तो याद रखिए, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 3 साल तक है। जी हाँ, ये कैंसर के बराबर वाली बात होगी कि 3 साल ही जियोगे अगर बिना इलाज के रहोगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन एवरेज मात्रा में देखा जाता है कि अगर 1000 लोगों को होता है तो ये देखा गया है कि कोई जल्दी कोई बाद में बिना इलाज के इन्फेक्शन होके इन्फेक्शन से मर जाता है, फिर पता चलता है अरे इसको तो एड्स भी था, अरे यार इसका तो टेस्ट ही नहीं, इसका तो एड्स भी था, तभी इसका ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। दैट्स हाउ इट इज। सो रिमेंबर, राइट, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो 3 साल से पहले भी मर सकता है। सो लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर पता चल जाए, HIV डायग्नोस हो जाए, तो उसका इलाज है, तो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ऐसी दवाएं हैं जो HIV वायरस को रोक दें, जिससे कि आपके CD4 सेल काउंट जो है कम ना हो, और अगर हो भी गए हैं तो बढ़ जाए। ठीक है, ये कोशिश है ताकि आपको आगे होने वाला इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो जाए इन्फेक्शन तो हमें पता हो कि आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट किया जाए। सो ऐसा पर्सन जिसको HIV है, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसका हर एक लेवल पे ध्यान रखना पड़ता है, उसको निमोनिया ना हो जाए, TB ना हो जाए, उसको फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, मुँह के अंदर ओरल थ्रश ना हो जाए, हर्पीज जैसा सिंप्लेक्स हर्पीज वायरस ना हो जाए, साइटोमेगलो वायरस ना हो जाए, दिमाग में फंगल इन्फेक्शन घुस जाता है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पैरासाइट चला जाता है ब्रेन में, वो भी हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, और HIV में कुछ प्रकार के कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कपोसी सार्कोमा और लिम्फोमा। याद रखिए, ये सारे शॉर्ट एंड लाइफ, यानी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज अगर कोई ट्रीटमेंट ना ले किसका, HIV का, और वो सिंड्रोम अपने आप ही आपके इम्यून सिस्टम, यानी मान लीजिए आपके शहर में से धीरे धीरे पुलिस वाले गायब होते जा रहे हैं, ना पुलिस वाले हैं, ना सड़क पे आपके ट्रैफिक पुलिस है, कोई नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जाएगा, फिर लूट मार होती जाएगी, देखिएगा कोई रोक टोक नहीं है, लोग गोलियां मारने शुरू कर देंगे, इस तरह इशू हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो आपके शरीर में इन्फेक्शन फैलता है, HIV और एड्स में क्या कनेक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। टू डेवलप एड्स, एक पर्सन को HIV का वायरस अंदर जाना चाहिए, बिना HIV के एड्स नहीं होता, मगर HIV हो गया तो एड्स कंपलसरी नहीं है। HIV के केसेस जो होते हैं 3 स्टेज से गुजरते हैं। स्टेज 1 एक्यूट स्टेज, मतलब पहले कुछ हफ्ते जैसे ही आपके अंदर गया, उसके वो कुछ हफ्ते हो सकते हैं 2, 4, 6 हफ्ते। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो क्लिनिकल लेटेंसी का फेस है, जो क्रोनिक स्टेज है, मतलब अब वायरस आपके अंदर बस बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, क्लिनिकल लेटेंसी है। और थर्ड स्टेज है एड्स का। तो ये 3 स्टेज जाते हैं। अगर HIV के होते हुए आपके CD4 सेल काउंट कम हो रहे हैं तभी सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर CD4 सेल काउंट नहीं कम हो रहे तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अगर कम हो रहे हैं तो आप वायरस को रोकने की दवाएं ले सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन थेरेपी ले सकते हैं। जितनी जल्दी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू हो जाए उतना जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको आगे चल के HIV और जल्दी
नहीं दिक्कत देगा, आप उतने नॉर्मल रहेंगे। इसीलिए जब कभी अस्पताल में किसी को नीडल प्रिक भी हो जाए गलती से किसी और का, पता नहीं शायद उसको वायरस एचआईवी हो नहीं पता, फिर भी किसी को नीडल प्रिक हो जाए तो उसको एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन दी जाती है कुछ दिनों के लिए प्रिकॉशनरी, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो फैलता कैसे है, कैसे नहीं फैलता, क्या होता है क्या नहीं होता। अगेन फिर से बता रहा हूँ, ब्लड, सीमेन, वेजाइनल रेक्टल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, इससे फैलता है। सो एनल सेक्स से, वेजाइनल सेक्स से, ओरल सेक्स से, नीडल शेयरिंग से, टैटू इक्विपमेंट से, डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम, मदर से चाइल्ड में, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, मदर से चाइल्ड में, है अगर आप मान लीजिए किसी और के ब्लड से एक्सपोज होते हैं, नीडल स्टिक इंजरी होती है उससे, और मान लीजिए किसी ने आपको काट लिया किसी एचआईवी पेशेंट ने तो हो सकता है, और ब्रोकन स्किन अगर कांटेक्ट है किसी के, छाला है वो आपके छाले से कांटेक्ट हो तो हो सकता है, मुंह के अंदर छाला है छाले छाले से किस करें तो हो सकता है। सलाइवा में नहीं माना गया है, देखा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स में पॉसिबल होता है, बट देन इट्स नॉट सीन एज ऑफ नाउ। एचआईवी कैसे नहीं फैलता, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अगर ब्रोकन नहीं है तो नहीं फैलता, हगिंग से, शेकिंग हैंड से, किसिंग से, किसिंग से नहीं फैलता, लेकिन किसिंग में अगर छाला छाला दोनों में हो तो फैल सकता है। एयर या वाटर से नहीं फैलता, खाना शेयर करने से, पानी शेयर करने से नहीं फैलता, बॉडी के किस फ्लूइड में बिल्कुल नहीं या कम, बहुत ही ना के बराबर है या है ही नहीं, सलाइवा, टीयर्स और स्वेट इसमें नहीं है, अनलेस दे आर मिक्स विद ब्लड, तब फिर उसमें एचआईवी आएगा। टॉयलेट, टॉवल, बेडिंग शेयर करने से, मच्छर से, इंसेक्ट से, काटने से एचआईवी नहीं फैलता। तो ये भाई साहब जानकारी बहुत ज़ोरदार और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो कृपया इस जानकारी को आगे पहुँचाएँ, और अगर किसी को डाउट है कि भाई हमें एचआईवी है कि एड्स है, तो आप अपना टेस्ट कराएं। इसमें एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक तो क्विक एचआईवी टेस्ट है जिसमें आपका स्वैब भी आता है, ओरल स्वैब, और ब्लड टेस्ट भी होते हैं, और फिर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट आते हैं, एचआईवी 1, एचआईवी 2 करके टेस्ट आता है, देर आर सो मेनी अदर टेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो आप अपने टेस्ट करा सकते हो। एचआईवी के टेस्टिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।